वेलकम बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती इस कविता की मैं आपको व्याख्या करवा रही हूँ। तो सभी बच्चे व्याख्याओं को ध्यान से सुने और व्याख्याओं के साथ उनके नीचे जो व्याख्यात्मक यानी कि सप्रसंग व्याख्या के नीचे कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं, उन प्रश्नों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हुए याद करेंगे। यहाँ पर जो पंक्तियाँ नंबर एक, सबसे पहले इसका प्रसंग हम करते हैं। इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग एक में संकलित शीर्षक चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती से ली गई हैं, जिसके कवि त्रिलोचन जी हैं। ये सेम जो प्रसंग है वो सभी पद्यांशों में लिखा जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये लिखना भी बहुत जरूरी होता है, याद भी करना है साथ में। तो यहाँ पर पहली पंक्तियां हैं, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। जब मैं पढ़ने लगता हूँ तो वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है, इन काले चिन्हों से कैसे ये स्वर निकला करते हैं। यहाँ पर कवि ने प्रस्तुत पंक्तियों के अंदर जो व्याख्या की है, यहाँ पर कवि ने कहा है कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। चंपा जो है काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती, जब मैं पढ़ने लगता हूँ तो वह तुरंत आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप मेरे द्वारा पढ़े हुए अक्षरों की जो आवाज़ है, जो ध्वनि है, जो स्वर है, उनको वह सुनती है, और जब सुनती है तो उसको बड़ा अचरज होता है। यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था कि चिन्हती, चिन्हती मतलब पहचानना, और अचरज, अचरज उसे बड़ा अचरज है होता था यानी कि हैरानी। तो उसने कहा कि उसे जब मैं पढ़ने बैठता हूं तो वह चुपके से आकर के खड़ी हो जाती है, और खड़ी होने के बाद चुपचाप मेरे द्वारा निकले हुए स्वरों को सुनती है, उसे बड़ा अचरज होता है, उसे बड़ी हैरानी होती है, इन काले चिन्हों से कैसे स्वर निकला करते हैं। जो चिन्ह है, चिन्ह के जो निशान हैं, उनसे कैसे स्वर निकलते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में जो कवि ने यहाँ पर कहा, कवि ने ग्रामीण बाला की बड़ी सुंदर स्वाभाविक अभिव्यक्ति की है, उसका वर्णन किया है, अक्षरों को काले काले कहकर अक्षरों की विशिष्टता का प्रयोग किया है।
यहाँ पर कवि ने भाषा जो है इसकी बहुत सरल, स्पष्ट और सहज है। खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर छंद युक्त भाषा का प्रयोग हुआ है। पुनरुक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हुआ है, जैसे यहाँ पर काले काले, एक शब्द यहाँ दो बार प्रयोग होता है और दोनों का अर्थ एक ही है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ग्रामीण भाषा यानी कि ग्रामीण अंचल की भाषा का प्रयोग हुआ है। पंक्तियां नंबर दो, चंपा सुंदर की लड़की है। अभी मैंने आपसे कहा है कि सुंदर, सुंदर कौन है? सुंदर एक ग्वाला है। सुंदर एक ग्वाले का नाम है जो गाय भैंसे चराने का काम करता है, उसका नाम सुंदर है, तो चंपा सुंदर की लड़की है। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर एक ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। चंपा चौपायों को लेकर, यहां चौपायों यानी कि चार पैरों वाले, चार पैरों वाले पशु, उनको चौपाया कहते हैं। चरवाही करने जाती है, चरवाही यानी कि चरवाही कहते हैं, चराने जाना, चराने जाना, वह उनको अपनी गाय भैंसों को लेकर चराने जाती थी। चंपा अच्छी है परंतु चंचल है, चंचल कहते हैं शरारती को। चंपा अच्छी लड़की है परंतु वह बहुत शरारती है, नटखट भी है, नटखट भी है, कभी कभी उधम मचाती है। उधम का मतलब जोर शोर से शोर करना, भागना, दौड़ना, उछलना, कूदना। कभी कभी वह कलम चुरा लेती है। कभी कहता है कि चंपा इतनी भोली लड़की है, लेकिन उसे ये सब लिखा हुआ देखकर हैरानी होती है, तो वो कभी कभी क्रोध में आकर शरारत वाले भाव से मेरी कलम चुरा लेती है। जैसे तैसे मैं उसे ढूंढ करके लाता हूँ तो पाता हूँ, तब देखता हूँ कागज गायब है, तब वह उसको कागज को गायब कर लेती है, फिर मैं परेशान हो जाता हूँ। यानी कि चंपा को मुझे परेशान करने में बहुत आनंद आता है। यहाँ पर कवि ने चंपा के विषय में बताया है कि चंपा अभी एक ग्वाले की लड़की है, कितनी भोली और कितनी मासूम है। चंपा की भोली भाली शरारतों का यहाँ पर चरित्र चित्रण, सजीव चित्रण किया है। ग्रामीण वातावरण की झांकी स्पष्ट दिखाई देती है। कवि की अभिव्यक्ति अत्यंत सरल और सहज भाषा में हुई है, भाषा में प्रवाह निरंतर बना रहता है। आगे पंक्तियां नंबर तीन, चंपा कहती है, चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो, तुम कागज ही गोदा करते हो। यहाँ पर गोदा, गोदा का मतलब है यानी कि लिखना, गोदा का मतलब लिखना। उसने कहा कि तुम कागज ही गोदा करते हो, क्या यह काम बहुत अच्छा है? चंपा शरारत भरे अंदाज में कहती है, क्या तुम्हारे लिए यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर, उसकी भोली बातों को सुनकर मैं हंस देता हूँ। फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा, चंपा तुम भी पढ़ो ना। मैंने हैरानी से देखा उसकी ओर, तो वह बड़ी मासूम और भोली सूरत को लेकर मेरे सामने जब खड़ी हुई, तो मैंने कहा, चंपा तुम भी पढ़ो ना, हारे गाढ़े काम सरेगा, यानी कि हारे गाढ़े काम सरेगा। हारे गाढ़े काम सरेगा यानी कि तभी तो कार्य होगा, तभी कार्य पूरा होगा, तभी कार्य पूरा होगा। तो उसने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ो ना, जब तुम पढ़ लोगी तभी तो कार्य पूरा होगा। गांधी बाबा की इच्छा है, उसने कहा कि गांधी जी की इच्छा थी कि देश का प्रत्येक नागरिक पढ़ा लिखा होना चाहिए, सब जन पढ़ना लिखना सीखे। सब जन यानी कि देश का हर व्यक्ति, हर बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए। चंपा ने यह कहा, मैं तो नहीं मानूंगी। चंपा ने फिर उसी अंदाज में कहा कि मैं तो नहीं मानूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा बहुत अच्छे हैं,
तुम तो कहा करते थे गांधी बाबा बहुत अच्छे हैं, पर मैं ये बात कैसे मान लूं कि गांधी बाबा ने ये कहा है कि तुम सभी पढ़े लिखे होने चाहिए, लेकिन मैं तो नहीं पढ़ूंगी। अगर यदि गांधी बाबा इतने अच्छे थे तो फिर उन्होंने ये काम मुझे क्यों बोला है कि आप भी सब पढ़ो, मैं तुम तो हर वक्त कागज गोंदते रहते हो, इन्हीं में लगे रहते हो। तो उसने कहा है कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। कचंपा अपने भोलेपन में अंदाज में जवाब देती है और वह कहती है, चंपा के मन में एक भय छिपा हुआ है जो कभी उसने कहा था। घर टूटने की बात जब उसके सामने आती है, कभी उसको फिर बार बार पढ़ लिख कर तो लोग धन कमाने के लिए दूर चले जाते हैं, घर टूट जाते हैं, इसलिए मैं तो नहीं पढ़ूंगी। चंपा अपनी बात को सार्थक व उचित सिद्ध करने में लगी हुई है। तुम तो कहते थे गांधी बाबा बहुत अच्छे हैं, पर गांधी बाबा ये कब कैसे कह सकते हैं, यदि वह कोई पढ़ेगा तो उसका घर टूट जाएगा। क्यों पढ़ेंगे हम, क्यों करेंगे, क्योंकि पढ़ने लिखने से घर टूटते हैं और ऐसा मैं कभी भी काम नहीं करूंगी, इसलिए मैं तो कभी नहीं पढ़ूंगी। कवि की कामना है कि देश का अपने देश का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो, क्योंकि अशिक्षा समाज के लिए अभिशाप है। चंपा निरक्षर है और उसका तर्क है कि यदि व्यक्ति पढ़ लिख लेता है तो वह घर से दूर चला जाता है और फिर कभी नहीं आते, इसलिए वह इस पढ़ने के तर्क को प्रस्तुत करती है। गांधी जी का उदाहरण देकर कवि ने गांधीवादी होने का परिचय दिया है। इस इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है, संवाद और तर्क शैली का प्रयोग हुआ है, भाषा इसकी सरल स्पष्ट और सहज है। आगे पंक्तियां नंबर 4, मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। कवि ने कहा कि मैंने चंपा से बार बार कहा कि पढ़ लेना बहुत अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गोने जाओगी। चंपा यदि तुम पढ़ लिख लोगी, तुम्हारा विवाह होगा, फिर तुम गोने चली जाओगी। गोना मतलब यानी कि ससुराल में, गोना मतलब ससुराल में चली जाओगी तो क्या करोगी, कुछ दिन बालम संग साथ रहकर चला जाएगा जब कलकत्ता, यानी कि कुछ दिन तो तुम्हारा बालम साथ रहेगा और कुछ दिन के लिए फिर वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कलकत्ता चला जाएगा। वह बड़ी बड़ी दूर है, यानी कि कवि ने उसको एहसास दिलाया कि कलकत्ता बहुत दूर है, उसे कैसे संदेशा दोगी, यदि तुम पढ़े लिखेगी नहीं तो कैसे उसको संदेशा भेजेगी, या उधर से वो संदेशा भेजेगा तो तू कैसे उसको पढ़ पाएगी। चंपा कुछ पढ़ लो, क्योंकि पढ़ना बहुत अच्छा है। इस प्रकार कविता के अंदर कवि बार बार चंपा के अनपढ़ होने पर खेद प्रकट करता है और चंपा को बार बार उसके पढ़ने की बात कह करके कहता है कि यदि अच्छा होगा तुम पढ़ लोगी। इस प्रकार कवि उसे बहुत समझाता है, किंतु चंपा पर इस बात का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। कवि ने नारियों के पढ़ने लिखने को महत्व दिया है। चंपा को शिक्षित वर्ग की पलायनवादी प्रकृति से अवगत भी कराया है। संवाद शैली का प्रयोग है, क्योंकि चंपा में और कवि में दोनों में संवाद हो रहा है। भाषा सरल सहज और भावानुकूल है। अनुप्रास अलंकार का सहज एवं स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। क्षेत्रीय भाषा यानी कि जो आंचलिक भाषा, जो अपने क्षेत्र की भाषा होती है, उन शब्दों का इसमें प्रयोग हुआ है। भाषा जो है इसकी बड़ी बहुत सरल स्पष्ट और तर्कशील है। आगे जो पंक्तियां हैं वो है 5। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो। चंपा अपने शरारती अंदाज में कहती है कि तुम कितने झूठे हो। देखा, वो उन पर एक एहसास दिलाती है और कहती है कि हाय राम, तुम पढ़ लिख करके भी झूठ बोलते हो। चंपा कहती है कवि को कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि तुम भी झूठ बोल सकते हो, लेकिन तुम तो पढ़ लिख करके भी इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो कि पढ़ लिख लो बार बार मुझे कहते हो। मैं तो ब्याह कभी नहीं करूंगी, यदि आप मुझे पढ़ने के लिए कहेंगे तो मैं ब्याह कभी नहीं करूंगी, और जो कहीं ब्याह मेरा हो भी गया, यानी कि यदि मेरा विवाह हो भी गया तो मैं अपने बालम के संग और उनके साथ ही रहूंगी। कलकत्ता में तो फिर मैं कभी भी जाने नहीं दूंगी। कलकत्ता पर वज्र गिरे, जो चंपा है बड़े दुखी मन से कहती है कि यदि मेरा बालम कलकत्ता चला गया तो
तो ये तो मैं कभी भी नहीं होने दूंगी। और मैं तो ये चाहती हूँ हे भगवान, कलकत्ता के ऊपर वज्र गिरे, यानी कि कलकत्ता पूरी तरह से नष्ट हो जाए, न रहेगा कलकत्ता और न मेरा बालम मुझे छोड़कर कलकत्ता जाएगा। यानी कि चंपा की बातें सुनकर अपनी प्रकृतियां, अपनी जो प्रतिक्रिया है वो व्यक्त करती, कहती है कि पढ़ लिख कर व्यक्ति कितना झूठ बोल सकता है, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं है, और तुम इतनी छल कपट की बातें करते हो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली हूँ। बार बार उसको पढ़ने लिखने का जब कभी आभास करवाता है तो वह तुरंत अपनी बालपन और अपने हठपन से कहती है कि मैं कभी, क्योंकि उसे अपना घर टूटने का डर बना हुआ है। उसने कहा है कि जो व्यक्ति पढ़ लिख करके गांव छोड़ करके नगरों में चले जाते हैं तो उनके घर सदा सदा के लिए टूट जाते हैं, या तो वे आते ही नहीं है या फिर आएंगे तो बहुत दिनों के बाद आएंगे, जिसको कभी चंपा सहन नहीं कर सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए उसने कहा है कि मैं तो कभी भी नहीं पढ़ूंगी और अपने पति को हमेशा अपने पास रखूंगी, और मैं तो ये भगवान से दुआ करती हूँ कि कलकत्ता के ऊपर वज्र गिर जाए और सदा के लिए कलकत्ता नष्ट हो जाए, उसका सत्यानाश हो जाए। इन पंक्तियों में चंपा का भोलापन और हठीपन व्यक्त हुआ है। चंपा पढ़ाई लिखाई को चतुराई और चालाकी का प्रतीक मानती है। विवाह न करने का विचार तो केवल दिखावे का ही है, वास्तव में तो वह विवाह करना चाहती है और अपने पति के साथ रहना चाहती है, वह नहीं चाहती कि मेरा घर टूटे। ग्रामीण परिवेश का सजीव चित्रण हुआ है। भाषा सरल सहज और सरस है, यहाँ पर संवाद शैली, क्योंकि कवि में और चंपा में दोनों में संवाद तर्क हो रहा है। निम्न पंक्तियों में जो क्वेश्चन आंसर अभी मैंने आपको करवाए, वो व्याख्या करवाई है, उनके नीचे कुछ क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं, तो आप उन क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से अपनी उत्तर पुस्तिका में समय मिले लिख लेना, नहीं याद करना, अभ्यास के प्रश्न उत्तर लिखना, जो अगली वीडियो में मैं आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। यहाँ पर आपकी ये चार व्याख्याएं थी, पांच व्याख्याएं थी, पांचों व्याख्याओं का प्रसंग प्रसंग व्याख्या आपको याद होनी चाहिए, और उसके साथ साथ नीचे जो अभ्यास उसके प्रश्न दिए हुए व्याख्याओं में से एक एक दो दो नंबर के हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, वो प्रश्न आपको पूरे याद करने हैं, और याद करने के बाद अपने सिलेबस को अच्छी तरह से रिवाइज करें। अगली वीडियो में मैं आपके सामने अभ्यास के प्रश्न उत्तर लेकर आऊंगी।